Hello students, my name is Jyoti and I welcome you all to the online platform of Vedanta Academy. As you all know that we are doing NCERT series 9th to 12th and 9th हमने finish कर लिया है, अब हम 10th के chapter 1 से start करेंगे. तो 9th की तरह ही हम NCERT को बिल्कुल भी shortcut नहीं लगाएंगे. 10th class की NCERT हम आज start करने जा रहे हैं, उसको हम point by point हम उसको पढ़ते हुए जाएंगे और अच्छे से उसकी terminology को उस आइडिया को अच्छे से समझेंगे और उसी की कोशिश करेंगे कि हमें फिर से इसको कहानी की तरह से पढ़ना है, बिल्कुल भी बर्डन की तरह नहीं पढ़ना है. हिस्ट्री को बहुत अच्छे से, जैसे हम कहानी सुनते थे ना बचपन में, कहानी सुनते थे वो आज भी याद रहती है, तो इसी तरह कहानियों के माध्यम से हमको हिस्ट्री को, अपने इतिहास को पढ़ना है, देश दुनिया का भी और भारत का भी. तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, नेशनलिज्म इन यूरोप. तो कैसे वहां पर, जो हम अगर बात करें यूरोप की, तो वहां पर नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ, अगर हम यूरोप की यहां पर बात कर रहे हैं. तो जैसे कि अगर हम बात करें कि वहां पर क्या हो रहा था, 1848 में फ्रेडरिक सारियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, उन्होंने एक इमेज बनाई, उन्होंने प्रिपेयर किया, उसमें उन्होंने चार तरह की प्रिंट सीरीज बनाई और उन्होंने बताया कि जो वर्ल्ड है, उन्होंने एक ड्रीम को विजुअलाइज किया उसके माध्यम से, और उसमें उन्होंने बताया कि जो आपका ये पूरा का पूरा जो आइडिया है, जो ड्रीम का आइडिया है, ये किस पर बना हुआ है कि वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड दैम. द फर्स्ट प्रिंट शो करता है पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका की जो मैन एंड वुमेन है, हर एक एज के, हर क्लास के, मार्चिंग इन अ लोकल ट्रेन, वो एक लोकल ट्रेन में मार्च कर रहे हैं एंड ऑफरिंग द होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय. ठीक है, और उसको उसको सम्मान कर रहे हैं वो जब वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आते हैं. तो ये कैसा आपका डायग्राम है वो देख लेते हैं हम एक बार. ये देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है अलग अलग जो देश है उसके अलग अलग तरह को उसने कैसे चित्रित किया है. ठीक है, कैसे उसने उसको बनाया है. ठीक है, तो जो लोग आते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं, फिर वो करते हैं ऊपर, आपको ये सब दिखेंगे, हर तरह के साधु संत महात्मा भगवान की वो देख रहे हैं ऊपर से, फिर आपको जर्मनी के लोग दिखेंगे, फिर आपको फ्रांस के लोग दिखेंगे. तो इसमें वो किस ड्रीम की बात कर रहा है, इस डायग्राम के थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू क्या समझाना चाहता है. उसके बाद अमेरिका वालों को उसने देखा. उसके बाद जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो फ्रेंच वाले लोग क्या करते हैं कि उस टाइम पर उन्होंने लिबर्टी को फीमेल फिगर की तरह दिखाया, कि वो एक मतलब उसको एक फीमेल का रूप दे दिया लिबर्टी को. लिबर्टी को वो लेडी दिखती है ना, उसमें वो तीन रंग पहने हुए हैं, उसने जो फ्रेंच का जो झंडा है उसमें, हेयर यू कैन रिकोगनाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और उसके हाथ में एक जो है एनलाइटनमेंट की टॉर्च है, और शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, और एक हाथ में वो राइट्स जो है वहां पर उन लोगों को रखे हुए हैं अपने दूसरे हाथ में. उसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें सिंबल्स जो है, सिंबल्स जो एब्सोल्यूट, अगर हम एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, लिटरली अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज. जैसे हम हिस्ट्री में ये सब यूज करते हैं, तो जैसे मोनार्की होती थी, मोनार्की मतलब कोई राजा होता था, उसी का रूल चलता था, तो वो सब चीजों को जो है वो खत्म कर देते हैं, वो शटर्ड हो जाती है, वो बिखरे हुए पड़े हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो बिखर गई है. अगर हम सारी उसकी बात करें कि वो कैसा यूटोपियन विजन है उसका, यूटोपियन क्या होता है, एक ऐसी सोसाइटी का विजन है उसका जो उसकी अपनी वो इच्छा शक्ति से उसे देख सकता है, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल, so ideal that is it is unlikely to actually exist. कि वो इतना ज्यादा ideal society के बारे में जो सोचता है कि जो reality में exist हो ही नहीं सकती है, reality में exist हो ही नहीं सकती है. उसके बाद देखिए, leading the procession way past the statue of liberty are the united states and switzerland which by this time were already nation states. आपके जो united usa एक अलग था और आपका स्विट्जरलैंड अलग था, तो ये आपके नेशन रेट जो नेशन थे, ये नेशन जो थे अलग अलग बन चुके थे, स्विट्जरलैंड अलग बन चुका था और ये आपका यूएसए अलग बन चुका था, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं. अगर हम बात करें फ्रांस वगैरह की, तो वहां पर क्या है,
फ्रेंड्स जो है आइडेंटिफाइएबल बाय रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर, उसको तीन रंग से दिखाया गया है, वो तीन रंग, और वो जस्ट अभी अभी उस स्टैचू के पास पहुंचा है क्योंकि वहां पर अभी अभी रेवोल्यूशन हुआ है और अभी अभी वो वहां तक पहुंचा है। उसके बाद उसको फॉलो कर रहे हैं लोग जर्मनी के जो अपने ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग में है। इंटरेस्टिंगली एट दिस टाइम व्हेन सारियो क्रिएटेड दिस इमेज जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन, तो जर्मन जो लोग थे वो यूनाइटेड नेशन की तरह तब तक नहीं थे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप, उनकी लिबरल होप का था जो चाहते थे टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इन टू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या चाहते थे कि उनका एक नेशन स्टेट बनाया जाए जो जर्मन बोलने वाले लोग हैं, और किसके अंडर बनाया जाए कि उनका भी एक अपना संविधान हो, लोकतांत्रिकता की वो बात कर रहे हैं, तो अपना फ्लैग लेके जस्ट वहां पर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जर्मन फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स, उसके बाद पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, फिर आपके किंगडम ऑफ टू सिलिसलीज, और फिर आपका लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, तो फिर उसके बाद ये सारे के सारे जो किंगडम्स के जो लोग हैं वो आ रहे हैं। फ्रॉम द हेवेंस, और ऊपर हेवन से आपके संत हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो फरिश्ते हैं और जो आपके क्राइस्ट हैं, वो सब ऊपर से इन सब चीजों को देख रहे हैं। एंड दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और ये किसको सिंबलाइज करने के लिए दिखाया गया है, अगर हम बात करें तो फ्रेटर्निटी, आपका जो भाईचारा है अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, तो इसलिए आर्टिस्ट ने देखो कितना खूबसूरती से उस चीज को प्रिंट किया है, कितना खूबसूरती से प्रिंट किया है। उसके बाद हम इस चीज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे कि अब हम पढ़ते हैं कि ठीक है ये क्या हो रहा है, इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, कैसी कैसी बातें हो रही हैं, लेकिन अब हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक नेशन स्टेट होता है, कैसे उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ जाएगी, फिर कैसे वहाँ के लोग अलग अलग तरीके से बटेंगे और कैसे फिर वो उस चीज को आगे चलकर वो क्या किस रूप में जो है ढलता चला जाएगा, तो एंड रिजल्ट हम देखेंगे उसका क्या होगा, किस तरह से स्ट्रगल्स होंगे और किस तरह से बातें होंगी। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं कि जैसे शुरुआत कहाँ से होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और वहां से राष्ट्र का जो है आइडिया ऑफ नेशन। अगर हम बात करें कि जो क्लियर एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें कि नेशनलिज्म वाला आइडिया आया कहाँ से, पहले तो लोग काम कर रहे थे, पहले भी तो इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन आइडिया कहाँ से आया फ्रेंच रेवोल्यूशन का, सॉरी नेशन का, एक राष्ट्र के निर्माण का, तो वो आया आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1789 में, क्योंकि जब हमने देखा था जो फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस क्या था, एक एब्सोल्यूट मोनार्क के जो है अंडर था, राजा जो वहां पर होते थे। उसके बाद जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, वो सब हुए किसके बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। उससे क्या हो गया कि आपका मोनार्की से एक बॉडी बन गई फ्रेंच सिटीजन्स की, और फिर उससे धीरे धीरे जो है चीजें बनती चली गई। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सीन ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स फ्रेंच पीपल, तो यहाँ से किस चीज की बात होती है, कलेक्टिव आइडेंटिटी की, कि हम एक कलेक्टिव वे पर सोचे, कलेक्टिव वे पर सोचे, खुद के ही बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो यहाँ से आइडिया कौन कौन से आए, द फादरलैंड, द सिटीजन, तो ये सब चीजें वहां बनते चले गए कि हम अब सिटीजन ऑफ फ्रांस हैं, और वो सब इक्वल राइट्स के बारे में बात करेंगे, इक्वल राइट्स के बारे में बात करेंगे, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बात करेंगे, फिर उसके बाद उनका झंडा आ जाता है, और फिर वो उस जो आपकी जो एक बॉडी बनाते हैं, स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, और उसका नाम रखते हैं नेशनल असेंबली। उसी से फिर वो जो है आपका नई नई चीजें बनती जाती है, कुछ यूनिफॉर्म्स बनती है, कुछ गाने गाए जाते हैं, राष्ट्रगान बन जाता है, तो इस तरह की जो चीजें स्टार्ट हुई वो कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, कहाँ से स्टार्ट हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इस चीज पर जोर दिया जाने लगा कि हमें भाई एक राष्ट्र की तरह सोचना है, यूनाइटेडली हमें काम करना है, तो ये बात शुरू होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इन सब चीजों का बदलाव किया था, तो लोग अब सोचने लगे थे कैसे। द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप, कि अब हमें यूरोप के लोगों को भी लिबरेट करना है, एंड इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, और हमें और देशों को, जो भी आपके यूरोप में और जो जगह है
उनको भी हमें नेशन के तौर पर अब बनाना है, उन्हें लिबरेट करना है, उनको समझाना है. एंड व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, तो जो स्टूडेंट होते थे या एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग होते थे, उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, जैकोबिन क्लब्स. अब अगर आपने नाइन्थ क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो जैकोबिन क्लब्स के बारे में खूब अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि किसने जैकोबिन क्लब्स बनाए थे और फिर इनका किसने हटाए थे, कैसे कैसे वहां पर इनका रूल चला था और इनकी जो है पार्टी बनी थी, लेकिन इन्होंने फिर मारधार शुरू कर दी थी, पनिशमेंट देना ज्यादा शुरू कर दिया था, फिर ये सब हटा दिए गए थे. ठीक है, नाइन्थ क्लास को आप देख सकते हैं इसमें. उसके बाद जैकोबिन क्लब्स बनने लगे, देन देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज विच मूव टू होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और फिर इटली. 1790s में उन्होंने यहाँ पर फैलाना शुरू कर दिया. एंड विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. तो अब अगर हम बात करें कि जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो वो शुरू हुआ फ्रांस से. आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो वो उसकी जो शुरुआत हुई है वो फ्रांस से हुई है. कहाँ से हुई है? उसकी शुरुआत फ्रांस से हुई है. और कैसे हुई है? क्योंकि वहां के लोगों ने पहले अपने देश में रेवोल्यूशन किया, और उसके बाद फिर वो अपने नियर बाई जाने लगे और फिर वहां से धीरे धीरे सब शुरुआत हुई. और जो है इस सब चीजों से क्या हुआ, दे कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड और फिर ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है ये भी बाहर जाने लगा. आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. आपको मैप्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं. ठीक है, ये दिखाया है कि यूरोप जब कांग्रेस ऑफ वियना के बाद यूरोप की जो पिक्चर है वो दिखाई गई है. उसके बाद विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट कम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स. नेपोलियन ने क्या किया, अपने रिफॉर्म्स जो है वो करना शुरू किया. नेपोलियन आ गया, उसने रिफॉर्म्स करने शुरू किए. उसने कहा कि क्या क्या किया उसने, सबसे पहले आते किस पर धावा बोला, सबको पता है, डेमोक्रेसी की. कोई डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं है, हटाओ सब. उसने कहा हटाओ सब, इन सब चीजों को हटाओ, मैं हूं और मैं ही आप लोगों को यूनाइटेड करूंगा, मैं ही आप लोगों के लिए काम करूंगा. तो उसने क्या किया, डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड इन रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट. ज्यादा जल्दी बोल दिया. तो उसने क्या किया कि वहां पर डेमोक्रेसी को जो है वो बंद कर दिया. और एडमिनिस्ट्रेशन अगर फील्ड की बात करें तो उसमें उसने बहुत जो है रेवोल्यूशनरी तरीके से काम किया. एंड उसके बाद जो सिविल कोड बना 1804 का, उसको जाना जाता है नेपोलियनी कोड के बारे में. ठीक है, उसमें जितने भी प्रिविलेजेस थे कि जन्म के साथ साथ या इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो उसमें क्या हुआ कि प्रिविलेजेस खत्म कर दिए उसने. और उसने कहा कि अब इक्वालिटी बिफोर लॉ है और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया, एंड दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल. जितनी भी फ्रेंच के कंट्रोल में थी चीजें वहां तक गया. इन द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. ठीक है, उसने सिंप्लीफाई किया एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को. और जो फ्यूडल सिस्टम था वहां का, रूढ़ीवादी जो समाज था वहां का सिस्टम था, जो सिस्टम फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया. और वहां के जो पीजेंट्स थे उनको फ्री किया फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल इश्यूज. ठीक है, जितने भी वो लैंडलॉर्ड होते थे, उनकी जमीन होती थी, उन सब चीजों के जो ड्यूज उन पर थे, जो कर्ज था, उससे उनको फ्री कर दिया. इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड एंड पीजेंट्स और आपके जो आर्टिसंस वर्कर्स और न्यू बिजनेसमैन थे उनकी जो स्थिति थी वो काफी सुधरने लगी थी उस टाइम पर, अगर हम उस टाइम की बात करें तो. एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम, उन्हें एक नई जो खोजी हुई फ्रीडम थी वो वापस मिल रही थी. बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेस्ट वेट और मेजर का भी उसने सिस्टम लाया था एंड कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट. और जब ये कॉमन चीजें हो जाएंगी, सब इक्वलिटी की बात करेंगे, तो इससे हमारा जो नेशन है उसको ही मदद मिलेगी. एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. However, in the areas conquered, the reaction of the local population of French rule were mixed. लेकिन जो जो जगह उसने जीती थी उसमें जो लोगों का जो आया था निकल कर कि कैसे उनका रिएक्शन होगा इस चीज को लेकर, वो बड़ा मिक्स था. पहले तो लोगों ने उसको जहां पर देखा
तो उन्होंने उसको समझा कि भाई ठीक है, ये तो लिबर्टी के, ये हमें लिबर्टी दिल पाएंगे। पहले तो लोगों को लगा कि इससे हमें जो है स्वतंत्रता मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, बट उसके बाद धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि ये सब चीजों से हमारी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उनके साथ क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उन्हें तो उसने च्युइंगम खिला दी बढ़िया वाली और फिर कहा कि अच्छा अब आ जाओ। इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्सेशन बढ़ गया, फिर सेंसरशिप की बात आ गई, फोर्स कॉन्स्पिरेशन आ गया आपका फ्रेंच आर्मी में कि फ्रेंच आर्मी से भर दो भाई जितने भरे जा सकते हो, आपको कराना क्या था, युद्ध लड़वाना था और आखिरी में मर जाते थे वो लोग। रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप, क्योंकि उसका तो एम क्या था, उसका एम तो सीधा था कि हमें तो पूरा यूरोप चाहिए भैया, हमारा इतने से काम नहीं चलेगा ना हमारा पेट भरेगा इतने से, पूरा यूरोप हमें चाहिए। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और उससे क्या हुआ, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अब क्या होता है, ये कहावत आपने सुनी भी होगी, तो इससे क्या है कि अब उसने ना तो वो इधर का रहा, जो चेंजेस उसने किए वो भी उसके लिए खराब हो गए, ना वो इधर का रहा, और आखिरी में फिर उसको उसका आपको पता ही है फिर क्या हुआ। तो वही चीज होती है कि उसे लगा और के चक्कर में उसके पास जितना था वो भी उसका सब पानी में गिर गया, वो भी उसका सब पानी में बह गया, गिर गया तो फिर भी ढूंढ लो, बह गया वो तो ठीक है। तो यहां से फिर लोगों को समझ में आने लगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेशनलिज्म, अभी तो हमने देखा आइडिया, आइडिया ऑफ नेशन इन यूरोप, अब हम देखेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेशनलिज्म कैसे यूरोप में बनता है, ठीक है, ये डेट्स आपको याद रखनी है भाई। 1797 में नेपोलियन ने इटली को लिया और फिर वहां से वॉर शुरू हुए। 1814-15 में आपका जो नेपोलियन का फॉल, वियना पीस सेटलमेंट हो गई, फिर ग्रीक स्ट्रगल, उसके बाद रेवोल्यूशन यहाँ पर शुरू हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और स्लैव नेशनलिज्म की बात करें तो कैसे ऑटोमन एम्पायर्स में और हैब्सबर्ग एम्पायर्स में फैली हुई चीजें, ये सब अभी पढ़ेंगे हम आगे चलकर, ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं किस तरह का जो नेशनलिज्म था वहां पर बनने लग रहा था, मेकिंग उसकी चल रही थी। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो टुडे। अगर हम आज के मैप देखते हैं यूरोप का, तो उस टाइम के जो नेशन स्टेट्स थे वो हमें आज नहीं मिलेंगे, ठीक है, आज हमें वो नहीं मिलेंगे। जैसे कि व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, पहले हम पढ़ते थे, पहले हम, आज हम देखते हैं जर्मनी को अलग देखते हैं, इटली को अलग देखते हैं, स्विट्जरलैंड को अलग देखते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, ये डचीज, कैंटोन्स और उसके फिर रूलर आते थे, तो इस तरह से जो है डिवाइडेड चीजें थी, तो वो उसमें कुछ भी शेयरिंग, कलेक्टिविज्म नहीं होता था, वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। जैसे आपका हैब्सबर्ग एम्पायर की बात करें तो ये कहाँ पर रूल करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी, फॉर एग्जाम्पल अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल्स, ठीक है। जैसे इसमें अल्पाइन रीजन भी आ गया आपका टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटनलैंड, उसके बाद फिर इसमें आपका बोहेमिया का भी आ गया, ठीक है, तो उसमें जर्मन स्पीकिंग लोग भी हैं, सो इट ऑल्सो इंक्लूडेड, इसमें आपके इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी आ गए, लोम्बार्डी आ गया, वेनेशिया आ गया, तो इस तरह से लोग जो है मतलब बिखरा हुआ कह सकते हैं, एक मिक्सडअप सा बना हुआ था चीजें, चीजों का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, तो इस तरह से जो है वहां पर चल रहा था। जैसे आपका गैलिशिया की बात करें तो वहां पर भी अलग अलग, वहां पर कोई लैंग्वेज बोल रहा है, कोई कुछ लैंग्वेज बोल रहा है, तो इसलिए हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट अमर्ज, तो ये आइडिया आया कहाँ से, ये जो आइडिया है नेशनलिज्म का या नेशन स्टेट का, ये कहाँ से इमर्ज होता है और ये कहाँ से फिर स्टार्ट होकर कहाँ तक पहुंचता है, उस बारे में हम बात करें। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडल क्लास, अब ये सारी कहानी हुई आपकी शुरू मिडल क्लास से, मिडल क्लास से आपकी कहानी शुरू होगी, इन लोगों ने क्या क्या चेंज करते गए ये लोग, तो देख लेते हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये आप सबको पता है, ठीक। उसके बाद जो इस क्लास के मेंबर्स थे वो उनके अलग लाइफ थी, दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, में गाँव के कुछ इलाके आते थे, टाउन हाउसेज आते थे, और वो जो है दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पजेज ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी, अगर हाई सोसाइटी की बात करें तो वो फ्रेंच बोलते थे इन सब चीजों में। उनकी जो फैमिली थी वो कैसे कनेक्टेड रहती थी, बाई टाइज ऑफ मैरिजेस,
तो ये कैसे होता था, एक वैसे अगर बात करें कि नंबर्स में अगर हम बात करें इनकी, तो ये स्मॉल ग्रुप था, मेजोरिटी ऑफ पीपल आपके पीजेंट ही थे। आप बात करते हैं ना थर्ड एस्टेट की, फर्स्ट एस्टेट आपका क्लर्जी होता था जिसमें चर्च होते थे, अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें तो वो आपका नोबल्स का ग्रुप होता था, नोबल्स होते थे, और अगर हम थर्ड एस्टेट की बात करते थे तो थर्ड एस्टेट में आपके बिजनेसमैन भी आते थे, आपके एडुकेटेड लोग भी आते थे, लेकिन जो थर्ड एस्टेट का 90% था, 90% आपके पीजेंट्स और आपके जो छोटे छोटे ये आर्टिशंस वगैरह होते थे वही 90% लोग होते थे। तो पीजेंट्स जो है वो ज्यादा पॉपुलेशन में थे। एंड टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स, जो उनको उसको किराए पर लेते थे, एंड स्मॉल ओनर्स। एंड अगर हम ईस्टर्न की बात करें तो वो आपके जैसे आपके वास्ट एस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्व्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात कर लीजिए, या काम के तौर पर किस तरह से वहां पर काम होता था। एरिस्टोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि किस तरह से लोग किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर वो हाई सोसाइटी की बात करें तो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, किस तरह से रहते हैं। अगर हम बात करें वेस्टर्न और वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप की, तो वहां पर ट्रेड प्रोडक्शन ये सब चीजें चल रही है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन हो गया आपका इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century। लेकिन अगर हम बात करें फ्रांस की या जर्मनी की, तो ये आया 19th century में। ओके, इंग्लैंड में सबसे पहले ये चीजें होना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद फिर आपकी दो ग्रुप्स जो है बट गए। कैसे? एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बन गई, ठीक है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आ गई, एक नई चीज आ गई, मिडिल क्लास आ गई, कि ना तो ये अमीर है, पहले क्या था कि अमीर गरीब, अब क्या है कि हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना गरीब है ना अमीर है, ठीक है। मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। फिर अगर हम जाएं ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में यूरोप के, तो ये स्मॉलर इन नंबर है, टिल लास्ट 19th century में कम है। इट वॉज अमंग द एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबोलिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। और इन्हीं की वजह से आइडिया आया नेशनल यूनिटी का, कि जो एरिस्टोक्रेट्स वगैरह हैं इन्हीं पर क्यों सारी की सारी पावर रहे, यही क्यों प्रिविलेज ले, तो नेशनल यूनिटी बहुत जरूरी है किसी भी नेशन को आगे पहुंचाने के लिए। नेशनल जो यूनिटी है वो बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय एकता बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है आपका व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल अगर हम लिबरल की बात करते हैं, लिबरल्स लोगों की बात करते हैं जो चाहते थे कि इसकी फ्रीडम मिले उसकी फ्रीडम मिले, वो लिबरल्स लोग जो है उनके लिए क्या होता था, लिबरल नेशनलिज्म किस कहाँ का मतलब है, क्या चीज आपको दर्शाता है, वो भी हम देखते हैं अभी। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द 18th century वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, कि भाई फ्रीडम चाहिए, लिबरल होना है, वर द लिबरल पीपल। सो द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मींस फ्री, एंड फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। उनको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, तो उनके लिए तो दोनों काम पूरे हो गए ना, कि भाई उन्हें उनको समझना है कि वो फ्रीडम और इक्वालिटी चाहिए, अब सब इक्वल है। तो इस तरह से जो है ये लिबरल वाला आइडिया जो है और उभर कर आ रहा था। पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो ऐसा कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और अगर हम रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद देखें तो इसका क्या मतलब है, कि जो भी प्रिविलेजेस है वो सब खत्म हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशन बने, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बने, पार्लियामेंट की तरह से काम हो। लेकिन ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की उस पे बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। दे ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अगर हम यूनिवर्सल सफरेज की बात करें तो वो वोट पे उनको चाहिए था राइट टू वोट, उसको हम यहाँ पर नहीं लेके आ सकते हैं। यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, ये हमने पढ़ा है आपका 9th class में।
तो ये हमने वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ा था, वही चीजें आ गई है, नेपोलियन कोड, जैकोबिन्स, उसके बाद कैसे कैसे प्रॉपर्टी और क्या क्या वो लोग चाहते थे, तो उन सब चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए इक्वालिटी की बात हो रही थी कि पॉलिटिकली भी इक्वल पॉलिटिकल राइट सबको मिलने चाहिए। कि अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की, इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स। और कौन से राइट्स, कौन से राइट्स, अभी तक तो हम बात कर रहे थे पर्सनल, अभी पॉलिटिकल राइट्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इस चीज की बात चलती थी इन मूवमेंट्स के थ्रू। अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें, अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन। कि मार्केट को फ्रीडम दो भाई, उस पर ज्यादा वो मत लगाओ, रेस्ट्रिक्शंस अबोलिशन होना चाहिए, कि अगर स्टेट उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स, वही गुड्स पे और कैपिटल जो भी है। And during the late, during the 19th century, this was a strong demand of emerging middle classes. और ये सारे middle class की जो है demand थी। Let us take the example of German speaking region in the first half of the 19th century. Napoleon administrative measures. Napoleon के administrative measures हमने पढ़े हैं। उससे क्या था? Countless small principalities, a confederation of 39 states, each जो है वो same, वही मैंने आपको जो बताया, same currency, same ये, same वो, तो currency, weight, measure, वो सब चीजें जो है बनाता जा रहा था, हर चीज को same तरीके से देखने के लिए। तो अब क्या होता है, a merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg, अब वो Hamburg से Nuremberg आया है क्या करने के लिए, अपने जो है गुड्स को बेचने के लिए। अब उस गुड को उसे बेचने के लिए 11 कस्टम ड्यूटी लग, कस्टम बैरियर लगेंगे, ठीक है, 11 कस्टम बैरियर उसे पे करने हैं। उसके बाद 5% की उनकी उसको कस्टम ड्यूटी देनी है। उसके बाद फिर जो है जो बात होगा वो कैसे लेवाई किया जाएगा उन चीजों पर, वेट और मेजरमेंट के थ्रू। अब हर एक रीजन का अपना वेट मेजर है, हो सकता है कहीं पर वो करेंसी ज्यादा है, कहीं पर वो करेंसी कम है, तो अगर वो ज्यादा में खरीदता है तो उसका तो नुकसान है ना। तो इसीलिए क्या था कि जैसे अगर हम बात करें मेजर ऑफ क्लोथ की, इट वाज द एले विच इन रीजन फॉर डिफरेंट लेंथ, कि जो एले अगर हम ले लें तो ये हर एक रीजन में अलग इसकी लेंथ होती थी। जैसे अगर हम बात करें इस क्लोथ में तो 54.7 ये जो क्लोथ होता था ये आपको मिलेगा फ्रैंकफर्ट में। अगर हम मेन्स में बात करें तो 55.1, अगर न्यूमेरबर्ग में बात करें तो 65.6 सेंटीमीटर है उसका मतलब। सो और अगर हम फ्रेबर्ग की बात करें तो 53.5। तो अब देखिए नुकसान है नहीं है, क्योंकि हर जगह उसका मेजरमेंट अलग तरीके से होता है। जैसे आप छोटा सा आइडिया ले सकते हैं कि कहीं पर जो एक बीघा जमीन की अगर हम बात करें तो कहीं पर वो कितने उसमें आती है कि इतनी बड़ी है, कहीं पर आपको वो बहुत कम दिखाई देती है। तो इसी तरह से वहां पर हम इस चीज को जोड़ सकते हैं उस चीज में कि कहीं पर वो मेजरमेंट एक इसके बराबर था और कहीं पर वो इतना ज्यादा था। जैसे हमारी करेंसी 1 रुपए है और वहां पर करेंसी अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो 72 के बराबर है। तो ये डिफरेंस है। तो ये तो मैं आपको दो अलग अलग देशों का बता रही हूँ, लेकिन उस टाइम की अगर हम बात करें तो हर एक रीजन पर अलग अलग मटेरियल में भी अलग अलग चीजें होती थी, ठीक है। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। और इससे क्या होता था, ना तो इकोनॉमिक एक्सचेंज हो पाता था, ना ही जो न्यू कॉमर्शियल क्लास जो है बढ़ रही थी उसकी भी जो है ग्रोथ रुकी हुई थी। इसलिए यहाँ से डिमांड क्या होती है कि हमारी यूनिफाइड कर दीजिए भाई, हमें आप यूनियन टेरिटरी, हमारी जो इकोनॉमिक टेरिटरी है उसको भी यूनिफाई कर दीजिए, अलाउिंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इधर से उधर जाने में। इन 1834 अ कस्टम यूनियन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। इससे फिर जितने भी ट्रैफिक बैरियर्स है वो सब चीजों को हटाया गया, उस चीजों को फिर जोड़ा गया, एंड द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज। उसके बाद फिर रेलवेज का जो है क्रिएशन हुआ, रेलवेज का क्रिएशन हुआ, फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशन यूनिफिकेशन, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन्ड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। तो यहाँ से धीरे धीरे फिर यूनिफिकेशन की बात शुरू हुई, और ये क्या हो रहा था धीरे धीरे, इस चीजों को क्या बोल सकते हैं कि मेकिंग हो रही थी नेशनलिज्म की, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है।
तो ये हमने जो अभी पढ़ा है उसका हम अगर मोटा मोटा सा अगर हम देखें तो वो यही चीज बता रहा है कि कैसे कैसे वहां पर यूरोप की अगर हम बात करें तो वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले इस बारे में कोई नहीं सोचता था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों में आइडिया आया, लोगों में एक आइडिया आया कि हाँ भाई अब हम जो है अपने लिए लड़ सकते हैं, अपने काम के लिए लड़ सकते हैं, अपने राष्ट्र के लिए लड़ सकते हैं। फिर उन्हें लगा कि भाई एक जगह पर इतनी सारी घिचपिच हो रखी है, कोई इस चीज को किसी तरह से लेता है, कोई इस चीज को किसी तरह लेता है, तो क्यों ना हम लोगों का जो है यूनिफिकेशन कर दिया जाए। जैसे जैसे एरियाज वाइज या जो भी उनको करना है तो उनको एक रीजन में एक तरफ एक जैसे लोग को इकट्ठा करके उनको यूनिफाई कर दिया जाए, उनको एकत्रित कर दिया जाए एक जगह पर, दूसरे लोगों को दूसरे। तो उससे क्या होगा कि आप ट्रेड कॉमर्स की बात कर लीजिए या उनके कल्चरल एक्सचेंज की बात कर लीजिए, इकोनॉमिक एक्सचेंज की बात कर लीजिए, वो जो है सिंप्लीफाई वे में हो जाएगा। सो ये आज जो हमने पढ़ा है, दिस वॉज द पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर। अभी इसको हम दो पार्ट्स में और कवर करेंगे एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा कि जो राष्ट्रवाद का जो आइडिया है वो कैसे फ्रांस में और फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में घूम रहा था। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।